हाय गाइस, अगली वीडियो में आपका स्वागत है। और ये एक इवेंट ब्रेकडाउन वीडियो रहेगा जिसमें हम बात करेंगे वाटर वॉर्स के बारे में। ये इवेंट मोस्ट लाइकली सभी जनों ने कई बार खेला रहेगा, बट इन दिस ये वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में जो बहुत जनों को नहीं पता या कन्फ्यूजन हो। हम इस वीडियो की ब्रेकडाउन अपने यूजुअल मैनर में करेंगे, जिसके अंदर मैं पहले बात करूंगा इवेंट इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर हम बात करेंगे अबाउट जो बैटल रहती है वो, एंड रिवॉर्ड्स और पोटेंशियल हीरोज हम कौन से यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट में। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इवेंट इंट्रो एंड रूल्स। सो सबसे पहले हमारा HQ लेवल 8 होना चाहिए, उसके बिना हम एंटर नहीं, ये इवेंट नहीं खेल सकते। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड ये इवेंट चलता है वेंसडे से फ्राइडे तक। पहले ये इवेंट हुआ करता था सैटरडे और संडे को ओनली, एक घंटे के लिए, और ये स्लॉट दिन में दो बार ओपन होता था, तो टोटल 4 घंटे मिलते थे ओवर द वीकेंड ये इवेंट करने के लिए। बट ये कुछ महीनों पहले अपडेट आया था इन्होंने, ये अब 3 दिन के लिए कर दिया है। सो वो बहुत अच्छी बात है। अब ये गेम के अंदर होता क्या है इवेंट के अंदर, कि हमारे पास जब मैचिंग स्टार्ट होती है तो हम 5 लोगों के साथ मैच होते हैं डिफरेंट रीजन अलायंसेस के, और हम एक और सेट ऑफ 5 प्लेयर्स के साथ फाइट करते हैं। इसके अंदर हमारे को स्क्वाड बनाना रहता है, तो वो स्क्वाड की कैपेसिटी और उस स्क्वाड के एट्रीब्यूट वो कैप्टन के लेवल और टैलेंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इसके अंदर इक्विपमेंट पार्ट्स काउंट होते हैं या नहीं, ये मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक होते हैं। एंड अगर नहीं होते हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट कीजिएगा, ताकि हम बाकी लोग भी देख सके कि हाँ भाई एग्जैक्टली क्या होता है। बट हाँ, आर्मामेंट्स नहीं काउंट होते, क्योंकि कोई जब स्क्वाड बनाते हैं तो आर्मामेंट सिलेक्शन का पार्ट नहीं आता, जो कि ड्यूरिंग बाकी और कोई स्क्वाड जब हम बनाते हैं तो वी कैन एड आर्मामेंट्स वाइल मेकिंग द स्क्वाड। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और T3 ट्रूप ही यूज़ कर सकते हो, कोई भी टाइप की ट्रूप अगर आपकी अनलॉक्ड है खाली T3 ही यूज़ होगी। सो वो सेकंड चीज़ है। अब बारी आती है ये इवेंट के अंदर करना क्या होता है। पहली बात तो ये इवेंट दो साइकिल्स में डिवाइडेड है। हर एक साइकिल के अंदर हमें 14 जॉम्बीज आते हैं और एक जॉम्बी बॉस आता है जिसको मारना होता है। पहली साइकिल के अंदर एरिना कैसे दिखती है, एरिना के अंदर 2 साइड्स रहेंगी, उनमें से एक साइड पर तुम रहोगे और वहां पे एक सेफ एरिया होता है। अब 14 जॉम्बीज होते हैं, 5 टॉप पे 5 बॉटम पे 4 सेंटर में, और पहले राउंड के अंदर सभी जॉम्बीज एक वाटर और एक बफ ड्रॉप करते हैं जब हम उनको किल करते हैं। हमें वो बफ और वो वाटर कलेक्ट करके अपने सेफ एरिया में आना होता है, ताकि वो वाटर हमारी टीम के लिए काउंट हो और वो बफ हमारे स्क्वाड के लिए काउंट हो। हम कोई भी बफ 5 बार तक स्टैक कर सकते हैं, उसके बाद अगर कलेक्ट करोगे तो वो स्टैक नहीं होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड जब हम वाटर कलेक्ट करते हैं तो हमारे को एक डिफेंस और स्पीड डीबफ मिलता है, और वो भी 5 बार तक स्टैक हो सकता है। तो आई वुड रेकमेंड कि 3 या 4 से ज़्यादा वाटर एक बार में कैरी मत करो, क्योंकि मोस्टली तुम्हारे ऊपर एनिमी आकर के अटैक करेंगे और तुम्हारी स्पीड और डिफेंस ऑलरेडी कम है, तो यू आर गोना डाई। तो और जैसे ही हमारा स्क्वाड डेड होता है तो हमारे पे 20-25 सेकंड का एक रिवाइवल टाइमर लग जाता है। तो इट्स बेटर कि हम कम वाटर कैरी करें और ज़्यादा ट्रिप्स मारें, वो बेटर है। अब जैसे ही हमारी हेल्थ पूरी 100% तक आती है, जैसे हमने बैटल खेली और हम अपने सेफ जोन में आए, और हम जैसे ही सेफ जोन में एंटर होते हैं हमारा स्क्वाड हील होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही हम 100% हील हो गए तो हमें 10 सेकंड के लिए एक स्पीड बूस्ट मिलता है कहीं पे भी पहुंचने के लिए। और वो स्पीड बूस्ट कब हटता है, जब 10 सेकंड का टाइमर ओवर हो जाए,
या फिर हम कोई और बफ कलेक्ट करना शुरू करें, या फिर हम बैटल में एंटर करें, इन तीनों टाइम पे वो स्पीड बफ चला जाता है। अब पहले राउंड के अंदर हमने वाटर कलेक्ट किए एंड हम लेकर के आए, एंड फिर आता है जॉम्बी बॉस। अराउंड 6 साढ़े 6 सेकेंड, 6 साढ़े 5 6 सेकेंड के टाइमर पे आता है वो, एंड वो 3 वाटर ड्रॉप करता है और काफ़ी सारे बफ ड्रॉप करता है। वो कलेक्ट करके अगेन हमें अपने सेंटर सेफ जोन में आना होता है, और अगर एनिमी ने कलेक्ट कर दिया तो उनके स्क्वाड पे अटैक करो, वाटर कलेक्ट करो, लेके आओ। एंड उस सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड के बीच में 1 मिनट का टाइम मिलता है हमें बैटल फाइट फील्ड बैटल के लिए। तो उसके अंदर मोस्टली लोग रेंज स्क्वाड यूज़ करते हैं या इन्फेंट्री स्क्वाड यूज़ करते हैं एनिमी स्क्वाड को किल करने के लिए और उनके ऊपर रिवाइवल टाइमर लगाने के लिए। बिकॉज सेकेंड राउंड के अंदर जितने कम एनिमी स्क्वाड रहेंगे फील्ड पे, उतना हमें बेनिफिट है कि हम ज़्यादा जॉम्बीज मार के ज़्यादा बफ और ज़्यादा वाटर कलेक्ट कर पाएंगे। तो ये तो अब उसके बाद फिर सेकेंड राउंड का जो जॉम्बी बॉस होता है उसको मारो, एंड उसके बाद हमें फिर अराउंड 40 सेकेंड टू 1 मिनट का टाइम मिलता है पीवीपी के लिए। अब बैटल के एंड में क्या होता है, बैटल के एंड में हमें वाटर पॉइंट्स मिलते हैं, और ये डिपेंड करता है कि हमने कितने वाटर ट्रांसपोर्ट किए, कितने बफ कलेक्ट किए, और एंड में हमें कोई रैंक मिली कि नहीं, क्योंकि एंड में कोई रैंक नहीं मिलती और उसके वाटर पॉइंट्स अलग होते हैं, उसके बेसिस पे हमें ये जो बार नीचे दिखता है 80 तक पहुंचना होता है वाटर पॉइंट्स के लिए। तो जितने ज़्यादा वाटर पॉइंट्स कलेक्ट करोगे उतना बढ़िया। तो ये तो हुए अपनी इवेंट इंट्रोडक्शन और बैटल के करना क्या होता है। अब नेक्स्ट बात ये आती है रिवॉर्ड्स की। रिवॉर्ड्स के अंदर ये वाटर पॉइंट से जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, दीज आर डिसेंट रिवॉर्ड्स हैं 30 से 40 मिनट के लिए, एंड हर एक एक फाइट के अंदर अगर हम जीतते हैं तो हमारे को अराउंड 20 to 40 के बीच में वाटर पॉइंट्स मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम कितने मार्जिन से जीते। मुझे मैक्स रिवॉर्ड्स पॉइंट मिले आज तक 38, और मिनिमम मिले हैं लेस देन 10, बिकॉज जब हम जब हमारी टीम हार गई थी। बट लोग इस पर्टिकुलर इवेंट को अराउंड 3 से 4 अटेम्प्ट्स में क्लियर कर लेते हैं, और ये रिवॉर्ड्स 10 मिनट की फाइट होती है तो उसके लिए तो ये ठीक है रिवॉर्ड्स। अब ये डेली मिशन जो होते हैं ये हर दिन रीसेट होते हैं, तो अगर हम हर दिन एक टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो टाइम पे हम जीत रहे हैं तो अपन ये रिवॉर्ड्स ज़्यादा कलेक्ट कर पाएंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि ये 3 दिन का इवेंट है तो हर एक एक दिन एक एक अटेम्प्ट मारो और वो जीतो, एंड उसके बाद लास्ट दिन पे 2 अटेम्प्ट मारो, क्योंकि 4 बार में तो ख़त्म हो ही जाएगा, उससे हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। अब लास्ट चीज़ है कि इसके अंदर हीरोज कौन से यूज़ कर सकते हैं। जो एक हीरो आई वुड से मैंने देखा है लोगों को कि ये लोग राइडर पेयर यूज़ करते हैं, इन्फेंट्री यूज़ करते हैं मेजॉरिटी टाइम, बहुत कम टाइम देखा है कि लोग रेंज यूज़ करते हैं। द ओनली रीज़न बींग कि अगर सामने वाली टीम इन्फेंट्री ज़्यादा यूज़ कर रही है, जैसे टॉम रैगोरो फील्ड पे इन्फेंट्री के साथ, तो जो 1 मिनट का टाइमर मिलता है हमें 2 साइकिल्स के बीच में, उसके अंदर वो रेंज लेकर के जाते हैं एंड सामने वाली स्क्वाड को किल करके उनके ऊपर रिवाइवल टाइम एक्टिवेट कर देते हैं। बट बहुत सारे जने राइडर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर सामने वाली टीम के पास राइडर्स हैं और तुम रेंज लेकर के जा रहे हो तो राइडर्स पे मत अटैक करना, क्योंकि राइडर्स से रेंज को ज़्यादा डैमेज होता है। अब पोटेंशियल प्लेयर्स क्या यूज़ कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ करते हैं वो है सिंथिया, बिकॉज उसके पास फील्ड बैटल ट्री है। मैं भी सिंथिया यूज़ करता हूँ, तो एंड ये वाला जो टैलेंट ट्री है ये मैंने नोटिस किया कि
gives me the most speed within the battle, मतलब कि battle के time पे भी और battle के बाहर भी. So अगर आपको ये copy करना है बिल्कुल कर सकते हैं, अगर इसके अंदर कोई improvement हो तो आप ज़रूर बताना मुझे, मैं try करूँगा वो. But हाँ, मैं experiment करता रहता हूँ इनके साथ. सिंथिया के साथ मैंने कैथरीन भी यूज़ करी हुई है, बिकॉज मेरे को राइडर्स क्वार्ट अटैक मिलता है एक्स्ट्रा. एंड इसके अलावा सिंथिया के साथ मैंने पाक भी यूज़ किया है, क्योंकि ये भी अच्छा बफ देता है मुझे राइडर स्क्वाड के लिए. इसके अलावा मैंने लोगों को देखा है लोग कैथरीन यूज़ करते हैं, लीड करते हैं सिंथिया को, अगर सिंथिया कम लेवल पे है तो. सो विच इज़ टोटली ओके. एंड सिंथिया एलिना एक अच्छा पेयर है. बहुत सारे जने कैथरीन बेला यूज़ करते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा. एक और अच्छा पेयर है फ्रेया पाक, बट अगर फ्रेया पाक यूज़ कर दे तो आई वुड से कलेक्ट वाटर एंड रन. इनको फील्ड बैटल में मत घुसाना, बिकॉज बहुत सारे जने लेजेंडरी हीरोज यूज़ करते हैं, उनका डैमेज ज़्यादा होता है. तो जस्ट कलेक्ट वाटर रन अगर ये यूज़ कर रहे हो तो. एक अनयूजुअल पेयर है जो बढ़िया काम करता है, वो है जेरेमी एंड अकेमी टू एंड यूज T1 कार्स. एंड उस केस के अंदर खाली जॉम्बीज वालो वाटर कलेक्ट करो भागो, बिकॉज जेरेमी जो है 30% ट्रैवल स्पीड देता है T1 इंजन्स को, जो कि ऑलरेडी फास्टेस्ट हैं किसी भी और ट्रूप टाइप के कंपैरिजन में. सो इनको कैच करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. हाँ, अगर जब वाटर लेकर के भाग रहे होंगे उस टाइम पे एनिमी स्क्वाड अगर अटैक करता है तो दे डाई फास्टेस्ट टू. तो अगर ये लेकर के हम वाटर बॉस खेलें, मेक श्योर यू आर जस्ट कलेक्टिंग एंड रनिंग, कलेक्ट और रन, बस यही. तो एक ये एक अच्छा पेयर है जो कि एक्चुअली में देखा है मैंने काम करते हुए. एक हीरो है जो कि मैं प्रेफर करता हूँ ना यूज़ करना, वो है बेला. अब बहुत सारे जने मेरे को क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों, बहुत सारे जने बेला यूज़ करते हैं बिकॉज उनको पसंद है. मैंने थोड़ी बार ट्राई किया और अब मैं बेला की एक वीकनेस को एक्सप्लॉइट करता हूँ. मैं बेला दिखती है फील्ड पर स्ट्रेट अवे अटैक दैट बिकॉज ऑफ दिस. जब बैटल में नहीं होती बेला तब इसको 30% स्पीड मिलती है, लेकिन और जब बैटल में एंटर हो रही होती है तब इसको 150 रेंज मिलती है, जो कि अच्छी बात है. लेकिन जब हम बैटल में एंटर करते हैं तो इवन अगर हम बैटल से भाग भी रहे हैं बैटल फील्ड से, तो जब तक एनिमी स्क्वाड की रेंज में है हम, तब तक अटैक ऑन रहता है और वी आर कंसीडर्ड कि हम बैटल में हैं. तो ये 30% एक्टिवेट नहीं होता जब तक अच्छा खासा डिस्टेंस ना हो एनिमी में हम में. और जैसे ही स्किल ड्रॉप होता है एनिमी स्क्वाड का, हमें 10% का रिडक्शन मिलता है स्पीड में 3 सेकंड के लिए. अब ये रिडक्शन एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब है बेला के लिए और बेला वाले स्क्वाड के लिए, क्योंकि हम पे अराउंड 3 से 4 स्क्वाड अटैक कर रहे होते हैं, 3 तो कर ही रहे होते हैं. अब अगर बेला पे 3 स्क्वाड अटैक कर रहे हैं, सबकी स्किल डैमेज अलग अलग टाइम पे निकली, तो ये 10% का स्पीड रिडक्शन और हर एक स्किल ड्रॉप पे ये 3 सेकंड का टाइमर लगता है. तो प्रॉब्लम ये है कि उस 3 सेकंड के अंदर बेला डाइज बिकॉज और अलग अलग टाइम पे हो. जैसे मान लो कि 3 सेकंड खत्म हुए और एक और स्क्वाड का स्किल ड्रॉप हो गया, तो 10% 3 सेकंड के लिए रिडक्शन रहेगा उसके बाद भी. तो अबाउट 6 to 8 सेकंड हम रिड्यूस्ड ही रहेंगे स्पीड पे. उतने में तो वी टेक अ लॉट ऑफ और बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है उस केस में. तो बेला अगर फील्ड पे है तो किल हर, बट डोंट यूज बेला इन माई ओपिनियन. बट इफ़ यू वॉन्ट टू यू कैन. शी इज गुड इन रनिंग फॉर श्योर, बट या दिस स्पीड रिडक्शन ऑन स्किल डैमेज थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है.
बट एनी वे, तो इसी के साथ हमने सारी चीज़ें कवर करी एंड आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ चीज़ मिस करी है, बट अगर कोई भी कमेंट या क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर पूछना कमेंट सेक्शन में या फिर गेम में, एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो। थैंक यू।